बिहेव नहीं करेगा डिसकर्टियस मैनर में प्रोस्पेक्ट्स के साथ इंटरफेयर नहीं करेगा जो भी प्रपोजल जो इंट्रोड्यूस हो रहा है अगर किसी दूसरे इंश्योरेंस एजेंट के थ्रू ऑफर नहीं करेगा डिफरेंट रेट्स एडवांटेजेस टर्म्स एंड कंडीशन अदर देन जो इंश्योरर ऑफर कर रहा है डिमांड नहीं करेगा रिसीव नहीं करेगा शेयर प्रोसीड्स में जो बेनिफिशरी को मिल रहा है अंडर एंड इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट फोर्स नहीं करेगा पॉलिसी होल्डर को कि वो एग्जिस्टिंग पॉलिसी को टर्मिनेट करे और एक नया प्रपोजल फॉर्म उसे भरवा नहीं सकता है वो विद इन थ्री ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ सच टर्मिनेशन अगर जो कॉपोरे कॉपोरेट एजेंट है और उसका जो पोर्टफोलियो है इंश्योरेंस बिजनेस का उसके अंडर जो प्रीमियम है वो उन्हें उसे इन एक्सेस ऑफ फिफ्टी परसेंट ऑफ टोटल प्रीमियम जो प्रीक्योर वो कर रहा है एक पर्सन से वो मिल रहा है या एक जो ऑर्गेनाइजेशन से या एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से इन अ ईयर देन अप्लाई अगर वो कर रहा है फ्रेश लाइसेंस के लिए टू एक्ट एज एन इंश्योरेंस एजेंट अगर उसका जो अर्लियर लाइसेंस है वो कैंसिल हो गया है बाय दी अथॉरिटी और एक जो पीरियड है 5 इयर्स का वो अभी फिनिश नहीं हुआ है फ्रॉम द डेट ऑफ सच कैंसलेशन देन वो uh, नहीं बन सकता है डायरेक्टर किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का इस दौरान पर जब वो वर्क कर रहा है इंश्योरेंस एजेंट तो अगर वो ऐसा कुछ करता है तो उसे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कहा जाएगा हर एक, हर एक जो इंश्योरेंस एजेंट है वो इंश्योर करेगा कि जो भी रेमिटेंसेस प्रीमियम के आ रहे हैं पॉलिसी होल्डर से उसे इन स्पेकुलेटेड टाइम पीरियड वो इंश्योरेंस जो कंपनी है उसको सबमिट करवाए

टू एक्ट एज सच तो एस पर सेक्शन टू क्लॉज की वो क्या है

इंक्लूडेड है एक कॉपरेटिव बैंक जो रजिस्टर्ड है अंडर दी सोसाइटीज एक्ट 1912 या एक पंचायत या लोकल बॉडी या नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और लैंडिंग फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन जो कवर्ड होती है अंडर दी कॉपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 और ट्व और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो रजिस्टर्ड है विद आरबीआई और एनी अदर इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन जो एप्लीकेशन दे रही है अथॉरिटी को कि उसे स्पेसिफिकली अप्रूव जो अथॉरिटी है उससे किया जाए और वो स्पेसिफिकली अप्रूव्ड है अथॉरिटी से तो उसे हम पर्सन मानेंगे एज पर सेक्शन टू क्लॉज ई ऑफ रेगुलेशन जो कॉम्पोजिट कॉपोरेट एजेंट है उसका मतलब है एक एजेंट जिसके पास लाइसेंस है टू एक्ट एज एन इंश्योरेंस एजेंट फॉर अ लाइफ इंश्योरर एज वेल एज अ जर्नल इंश्योरेंस देक्स्ट हमारा आता है लाइसेंस सेक्शन थ्री एक पर्सन जो लेना चाहता है ऑप्टेन करना चाहता है या रिन्यू करना चाहता है अपना लाइसेंस टू एक्ट एज अपरेट एजेंट और अ कॉम्पोजिट कॉपरेट एजेंट वो कैसे प्रोसीड करेगा सबसे पहले जो एप्लीकेट है वो एप्लीकेशन देगा डेजिग्नेटेड पर्सन को स्पेसिफाइड फॉर्म में इनकेस जो एप्लीकेंट है वो डिजायरस है कि उसे कॉम्पोजिट कॉपरेट एजेंट का जो लाइसेंस है वो भी चाहिए तो उसे दो सेपरेट एप्लीकेशन फीस देनी पड़ेगी उसके बाद उसे फी पे करनी पड़ेगी अथॉरिटी को जो स्पेसिफाई है इन रेगुलेशन सेवन देन एप्लीकेशन रिसीव होने के बाद अलोंग विद द एविडेंस ऑफ पेमेंट ऑफ फीस जो डिजाइनेटेड पर्सन है वो ग्रांट कर सकता है या रिन्यू कर सकता है लाइसेंस अगर वो सेटिस्फाइड है कि जो कॉर्पोरेट इंश्योरेंस एग्जीक्यूटिव है एप्लीकेंट uh, जो है कि वो प्रोसेस करता है स्पेसिफाइड क्वालिफिकेशन प्रोसेस करता है स्पेसिफाइड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग उसने पास किया है स्पेसिफाइड एग्जामिनेशन और उसके पास एक नॉलेज है बिजनेस को सोलिसिट और प्रक्योर करने की इंश्योरेंस बिजनेस को और वो कैपेबल है प्रोवाइड करने के लिए नेसेसरी सर्विस पॉलिसी होल्डर्स को और ग्रांट कर सकता है रिन्यू कर सकता है जो भी लाइसेंस होगा वो विद इन थ्री मंथ्स होगा फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन जो कंसिड्रेशन है एप्लीकेशन के लिए अगर वो डिले uh, हो, हो रही है किसी वजह से तो जो डेजिग्नेटेड पर्सन है वो इन्फॉर्म करेगा एप्लीकेट uh, को इन सिक्सटी डेज ऑफ सच डिले और जो भी लाइवली टाइम होगा कि कब वो उस एप्लीकेशन को लेगा वो उसे बताएगा जो ग्रांट और रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस है अगर रिजेक्ट हो जाता है तो जो डेजिग्नेटेड पर्सन है वो इन्फॉर्म करेगा एप्लीकेंट को देन क्वालिफिकेशन क्या है जो पार्टनरशिप डीड है और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है एंटिटी का उसमें ये चीज मेंशन होनी चाहिए कि जो मेन ऑब्जेक्ट है इंश्योरेंस बिजनेस का जो वो करेगा दैट इज सॉलिसिट और सोलिस करना इंश्योरेंस बिजनेस को देन जो पॉपुलेशन है अगर 5000 उससे ज्यादा है है एज पर लास्ट तो जो इंश्योरेंस उसके पास जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए मिनिमम क्वालिफिकेशन ट्वेल्थ पास होनी चाहिए और जहां पर पॉपुलेशन लेस देन 5000 है तो जो एग्जेक्यूटिव है वो एटलीस्ट टेंथ पास होना चाहिए देन जो एक्जेक्यूटिव है और जो स्पेसिफाइड पर्सन है वो जो है सेक्शन 42 ए में मतलब जो भी 42 में दी गई है एक्ट के या स्टेटेड है केस ऑफ एजेंट्स वो उससे डिस्कालीफाइड नहीं होना चाहिए देन आता है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जहां पर एक जो एप्लीकेंट है वो लाइसेंस ले रहा है फर्स्ट टाइम टू एक्ट एस एजेंट तो थ्री टू फोर वीक्स में इन आइदर लाइफ और जर्नल इंश्योरेंस बिजनेस जैसा भी केस होगा अगर वो वर्क करना चाहता है एज अम्पोजिट कॉर्पोरेट एजेंट तो उसे कंप्लीट करना होगा सेवेंटी फाइव आवर्स का ट्रेनिंग जो स्प्रेड हो सकता है सिक्स टू एट वीक्स देन जो फॉलोइंग इंश्योरेंस देंोइंग है उन्हें कम्प्लीट करना होगा फिफ्टी आवर्स का ट्रेनिंग एसोसिएट है फेलो है इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया मुंबई का एसोसिएट फेलो है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली का एसोसिएट फेलो है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया कोलकाता का एसोसिएट फेलो है इंस्टीट्यूट ऑफ दी इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली का एसोसिएट फेलो है एक्चुरियल सोसाइटी ऑफ इंडिया मुंबई का मास्टर है ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मतलब एम है किसी इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी से जो रिकॉग्नाइज्ड है या फिर उसके पास का जो सर्टिफिकेट है वो है देन uh, प्रोसेस करता है वो कोई भी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इन मार्केटिंग फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी जो रिकोगनाइज है बाय एनी स्टेट गवर्नमेंट और दी सेंट्रल गवर्नमेंट या अगर उसने काम किया है एज अ अम्पोजिट कॉपोरेट एजेंट तो उसे कंप्लीट करना पड़ेगा आवर्स ट्रेनिंग इन लाइफ एंड इंश्योरेंस बिजनेस देन आता है एग्जामिनेशन ट्रेनिंग के बाद जो कॉपोरेट इंश्योरेंस एजेंट है जो एप्लीकेंट है एप्लीकेंट का या जो स्पेसिफाइड पर्सन है उसे पास करना पड़ेगा प्री रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन लाइफ में या फिर जर्नल इंश्योरेंस में देन या बोथ में वो कर सकता है जो कंडक्ट किया जाएगा बाय इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया मुंबई एग्जामिनिंग बॉडी है फीस पेबल जो फीस पेबल होगी अथॉरिटी को फॉर इशू और रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस टू एक्ट एज कॉर्पोरेट एजेंट वो होगी वन ट्वेंटी और हर एक जो स्पेसिफाइड पर्सन है कॉपोरेट एजेंट का वो अप्लाई करेगा इंश्योरर को टू अ अ सर्टिफिकेट बाय पेइंग फीस ऑफ़ 375 रुपीस देन आता है रिन्यूअल ऑफ़ लाइसेंस लाइसेंस एक इशू किया है ए ने वो वैलिड रहेगा issue, जो है, आप उसे रिन्यू करवा सकते हो आफ्टर द स्पेसिफाइड फीस वो क्या है? 125 अगर जो है आप कर रहे हो थर्टी डेज प्रियोरियर टू द एक्सपायरी या जो सिसेशन जिसे हम कहते हैं देन टू ट्वेंटी फाइव रुपीज अगर एप्लीकेशन आप दे रहे हो बिटवीन थर्टी डेज आप दे रहे हो आफ्टर दी एक्सपायरी ऑफ लाइसेंस एंड अपट वन ईयर लेटर स्पेसिफाइड पर्सन को वो फोर्स में रहेगा फॉर अ पीरियड ऑफ थ्री ईयर जिसे आप फर्दर रिन्यू कर सकते हो थ्री ईयर्स के लिए ऑन समिशन ऑफ एप्लीकेशन एलोंग विदीस ऑफ रुपीज हंड्रेड प्रोवाइडेड की जो लाइसेंस कॉपोरेटिव एजेंट का वो वैलिड है देन उसके बाद उसे सबमिट करनी है एप्लीकेशन एटलीस्ट थर्टी डेज पीओर टू एक्सपायरी जो स्पेसिफाइड पर्सन है वो जब वो एम्प्लॉय नहीं है कॉपरेट एजेंट का तो वो सरेंडर करेगा अपना सर्टिफिकेट टू दी पर्सन है या जो corporate insurance executive है, उसे complete करना होगा कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस और सर्टिफिकेट जो कॉपोरेट एजेंट है स्पेसिफाइड पर्सन है अगर किसी भी टाइम पे वो डिसक्वालिफिकेशन उसके पास है कि जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो उससे डिस्कालीफाई हो जाता है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लाइसेंस तो जो भी डेजिग्नेटेड पर्सन है वो कैंसिल कर सकता है उसका लाइसेंस और रिकवर कर सकता है उससे लाइसेंस और उसका आइडेंटिटी कार्ड देन है इशू ऑफ डुप्लीकेट लाइसेंस जो अथॉरिटी है वो इशू कर सकती है डुप्लीकेट लाइसेंस रिप्लेस करने के लिए लाइसेंस को जो खो गया है डिस्ट्रॉय हो गया है या म्यूटिलेटेड हो गया है ऑन पेमेंट ऑफ फिफ्टी रूपीज देन कोड ऑफ कंडक्ट क्या है हर एक जो कॉपरेटिव एजेंट है वो रिस्पॉन्सिबल होगा सभी एक्ट ऑफ ओमिशन कमीशन के लिए जो भी कॉपोरेट इंश्योरेंस एग्जीक्यूटिव के हैं और जो हर एक स्पेसिफाइड पर्सन के हैं देन इंश्योर करेगा कि जो कॉर्पोरेट इंश्योरेंस एग्जीक्यूटिव है और जो भी स्पेसिफाइड पर्सन है वो प्रॉपरली ट्रेंड है स्किल्ड है नॉलेजेबल है इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स में इंश्योर करेगा कि जो कॉर्पोरेट इंश्योरेंस एग्जीक्यूटिव है और जो स्पेसिफाइड पर्सन है वो किसी भी तरीके का रिप्रेजेंटेशन पॉलिसी के बेनिफिट्स के या रिटर्न के बारे में ना करे कस्टमर को जो भी अवेलेबल है अंडर पॉलिसीज देन इंश्योर करेगा कि कोई भी प्रोस्पेक्ट को फोर्स ना किया जाए इंश्योरेंस प्रोडक्ट को बाय करने के लिए एडिक्वेट प्री सेल्स एंड पोस्ट सेल एडवाइस देगा इंश्योर को इन रिस्पेक्ट ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट सारी पॉसिबल हेल्प करेगा कॉपरेशन देगा इंश्योर्ड को इन कंप्लीशन ऑफ ऑल फॉर्मेलिटीज एंड डॉक्यूमेंटेशन इन द इवेंट ऑफ अ क्लेम ड्यू पब्लिसिटी देगा इस फैक्ट को कि जो कॉपोरेटिव एजेंट है वो अंडर राइट नहीं करेगा रिस्क को या एक्ट uh, नहीं करेगा एज एन इंश्योर देन एंटर करेगा इन टू सर्विस लेवल एग्रीमेंट विद द इंश्योर जिसमें जो ड्यूटीज हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं दोनों की डिफाइंड होंगी देन हर एक जो कॉर्पोरेट इंश्योरेंस एजेंट है कॉरपोरेट uh, एजेंट है कॉपोरेट इंश्योरेंस एक्जेक्यूटिव है स्पेसिफाइड पर्सन है वो आइडेंटिफाई करवाएगा अपने आप को और इंश्योरेंस कंपनी को जिसके लिए वो काम कर रहा है एज एन इंश्योरेंस एजेंट डिस्क्लोज करेगा अपना लाइसेंस कस्टमर को अगर वो डिमांड करता है रिक्वेजेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएगा इन रिस्पेक्ट ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट जो वो ऑफर कर रहा है सेल के लिए जो इंश्योरेंस ऑफर कर रहा है सेल के लिए और जो भी नीड्स है प्रोस्पेक्ट की उसे ध्यान में रखते हुए वो रिकमेंड करेगा उसे स्पेसिफिक इंश्योरेंस प्लान डिस्कलोज करेगा जो भी स्केल ऑफ कमीशन है इन रिस्पेक्ट ऑफ द इंश्योरेंस प्रोडक्ट जो वो ऑफर कर रहा है सेल के लिए अगर प्रोस्पेक्ट उससे पूछता है इंडिकेट करेगा प्रीमियम जो चार्ज किया जाएगा इंश्योर के द्वारा फॉर द इंश्योरेंस प्रोडक्ट जो ऑफर हो रहा है सेल के लिए देन एक्सप्लेन uh, करेगा नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन क्या चाहिए होती है प्रोपोजल फॉर्म में इंश्योर को और प्रोस्पेक्ट को दोनों को और देन उन्हें बताएगा इम्पोर्टेंस क्या है मटेरियल इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करने की इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट को देन नोटिस में लाएगा इंश्योर के अगर कोई भी एडवर्स हैबिट है या इनकम इनकन्सटी की कोई भी इंफॉर्मेशन है अबाउट प्रोस्पेक्ट और वो रिपोर्ट करेगा ये मेटीरियल इन्फॉर्मेशन इंश्योर को जो इस डिसीजन को इफेक्ट कर सकती है कि वो अंडर करेगा या नहीं करेगा मतलब वो एक्सेप्ट करेगा प्रपोजल या नहीं करेगा इन्फॉर्म करेगा प्रोस्पेक्ट को प्रॉम्प्टी अबाउट कि उसका जो प्रपोजल है वो एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है ऑप्टेन करेगा रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द प्रपोजल फॉर्म और अदर डॉक्यूमेंट्स अगर जो भी इंश्योर आगे मांगता है सारी नेसेसरी असिस्टेंस देगा पॉलिसी होल्डर्स को क्लेमेंट्स को बेनिफिशरीज को इन कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट्स फॉर सेटलमेंट ऑफ क्लेम एडवाइस करेगा हर एक इंडिविजुअल पॉलिसी होल्डर को कि वो इफेक्ट करे नॉमिनेशन असाइनमेंट चेंज ऑफ एड्रेस और एक्सरसाइज ऑप्शन और अदर नेसेसरी असिस्टेंस जो भी उस बिहाफ में उसको चाहिए होगी और इन्हीं को हम फंक्शन ऑफ एजेंट्स भी कहेंगे नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में थैंक यू सो मच